हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं एसी नॉन टेक्निकल का सब्जेक्ट जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी। और ड्राइंग से रिलेटेड ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने बता दिए थे। आगे के भी देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितने हो सकते हैं 20 मिनट में वो चीज़ें मैं ट्राई करके आपको बताऊँगा। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। इन द गिवन प्रोजेक्ट व्यू फिगर बी में बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट व्यू है। ठीक है, तो बी को आप देख सकते हैं, ये वाला जो बी है इसमें आप देखोगे तो आपको ये एक लाइनिंग दिखेगी इस तरीके से। ये वाली जो लाइन दिख रही है ये ऐसे है, ठीक है, और इस तरफ से अगर देखते हो, यहाँ पे इस डायरेक्शन से अगर देखते हो तो, और फिर बाद में ये ऊपर की तरफ लाइन जाएगी और इसमें ये सर्कल को एक लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सीधी रहेगी, लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन से बताते हैं। तो देखिए एक लाइन तो ये है, इसमें ये बी ऑप्शन जो है ना ये साइड व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा क्या ये इस तरीके से बना है, लेकिन आपका ये इस तरीके से बना हुआ रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको घुमा दो, एंटी क्लॉक वाइज 90 डिग्री घुमा दोगे ये साइड व्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, साइड व्यू। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। इन द गिवन प्रोजेक्ट व्यू ए, फिगर ए बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट व्यू है। ए को देखिए, ए को अगर देखोगे तो पूरा ये रेक्टेंगल दिख रहा है। पूरा रेक्टेंगल कब दिखेगा, ध्यान से समझना, पूरा रेक्टेंगल टॉप में देखोगे तभी दिखेगा, टॉप में देखोगे तभी पूरा रेक्टेंगल दिखेगा, या तो साइड से देखोगे तब रेक्टेंगल व्यू पूरा दिखेगा। साइड से भी देखो, देखो यहाँ से साइड से अगर देखते हो इस तरीके से, यहाँ से अगर देखते हो, क्योंकि फ्रंट से तो आपको देखो ऐसे ही सिर्फ दिखेगा, ये वाला पार्ट ऐसे करके ऐसे ही दिखेगा ये। ठीक है, और ये वाला थोड़ा सा ट्राइंगल आ जाएगा एक, बाकी तो इसी तरीके से दिखेगा फ्रंट में, लेकिन साइड में देखोगे तो भी आपको पूरा एक रेक्टेंगल फॉर्म में दिखेगा, और टॉप से भी देखोगे तो भी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखेगा। तो ऐसा देखो, ये साइड से देखोगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मैं फिर से कर देता हूँ, साइड से देखोगे तो ये चीज़ें देखो, ये ऐसा बना हुआ भी पहले इसमें दिखेगा, ये चीज़ें दिखेगी ऐसा बना हुआ इसमें ही है, ऊपर से देखोगे तो ऐसा बना हुआ नहीं दिखेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, अगर इसमें देखोगे तो ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ए की अगर मैं बात करूँ तो क्या रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देगा, साइड व्यू यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, साइड व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन द गिवन प्रोजेक्ट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रंट साइड एंड टॉप व्यू इज रिस्पेक्टिवली गिवन। मतलब पहला इसका फ्रंट व्यू बता रहा होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रंट व्यू बता रहा होगा, दूसरा साइड व्यू बता रहा है, तीसरा टॉप व्यू बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन में बोला है, ठीक है, इस तरीके से जो बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला आपने देख लो फिगर ए, पहला जो फिगर कौन, मतलब पहला जो इसमें बोला ना कौन, मतलब पहला जो फ्रंट व्यू बताया। ठीक है, तो इसमें फ्रंट व्यू पहले कौन आ रहा है, तो फ्रंट व्यू में अगर आप देखोगे तो एरो इधर से बताया है, एरो जिधर से होता है वही उसका फ्रंट व्यू होता है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा, और प्लस इसके साथ साथ ये जो पार्ट है ना ये भी इसके साथ ये टच होता हुआ दिखाई देगा, ऐसे वाला पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला डैश डैश करके बताया होगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये वाला पार्ट को डैश डैश, क्योंकि ये दिखेगा नहीं, ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये इस प्रकार से पूरा ये, मतलब ये वाला पूरा एक रेक्टेंगल फॉर्म में दिखेगा, और 5 और 7 दिखेगा, देख सकते हैं 5 और 7 ही दिखेगा इस तरीके से। तो ये फ्रंट व्यू बता रहा है, बी वाला फ्रंट व्यू बता रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन में देख सकते हैं बी फ्रंट व्यू में हो तो बी फ्रंट व्यू में ऑप्शन बी और सी दोनों बता रहा है। ठीक है, अब दूसरा कोई फिगर लेके देख सकते हैं, दूसरा क्या बोला है फ्रंट व्यू के बाद से टॉप व्यू बोला है। अब टॉप व्यू ढूंढो, देखो टॉप व्यू में देखोगे तो 4 दिखेगा 2 दिखेगा 3 दिखेगा, टॉप व्यू से देखोगे तो 4 दिखेगा 3 दिखेगा 2 दिखेगा, और 4 और 2 इस तरीके से दिखेंगे, तो 4 3 2 यहाँ सी में दिख रहा है। ठीक है, सी में अगर देखोगे तो इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो ये सी वाला जो होगा उसका टॉप व्यू होगा। तो बी और सी एक लाइन में दिख रहे होंगे, पहला बी दूसरा सी, तो यहाँ पर पहला बी दूसरा सी जो दिख रहा है वो आपका ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि टॉप व्यू ही दूसरा है ना, देख सकते हैं पहला है आपका, जस्ट 1 मिनट, फ्रंट है, साइड है दूसरा। ठीक है, सॉरी साइड है, तो साइड में आपका ए आएगा, तो ए वाले में देखोगे तो फिगर सी आ जाएगा।
सॉरी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे ऑप्शन दिया रहो उसी प्रकार से आपको करना है। तो टॉप व्यू सी लास्ट में, देखिए लास्ट में यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में आ जा रहा है, फिगर सी लास्ट वाले में आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि फ्रंट व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई, मतलब अब इनमें देखना है कि फ्रंट व्यू कौन है। तो फ्रंट व्यू में देखो एरो जो बनाया होता है उसी डायरेक्शन से देखते हैं, तो इसमें क्या क्या दिखना चाहिए आपको मैं वही चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। कैसा बना हुआ दिखेगा, ऐसा बना हुआ दिख रहा है तो ठीक है, इस तरीके से बना हुआ देखिए, ये आपको इस तरीके से ऐसे करके ऐसे ये फ्रंट व्यू दिख रहा है। फ्रंट व्यू ही बताना है, या बोला फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बाय, इस तरीके से दिखेगा। फिर आपको यहाँ से ये बॉक्स दिखेगा, ये वाला बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स दिखेगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से अगर आपको देखते हुए मिल रहा है तो फ्रंट व्यू होगा। देखो ये एल है, फिर बाद में एक छोटा सा बॉक्स है, ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला और ये वाला पार्ट दिखेगा, ठीक है, इस तरीके का ये वाला पार्ट दिखेगा, बाकी और कुछ दिखेगा नहीं। ये भी तो खाली ही है, ये ऊपर भी खाली ही है, तो ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ये तो टच है ना, देखिए ये यहाँ से व्यू देखोगे तो ये इसे टच ही हुई दिखेगा, इस तरीके का। देखो ये जो मैंने बनाया है, इस तरीके का देखता हुआ जो भी मिले वो राइट है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ बी, तो बी फिगर बी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए क्या बोला है, इन विच ऑफ द प्रोजेक्शन विच फिगर रिप्रेजेंट द टॉप व्यू, टॉप व्यू को कौन रिप्रेजेंट करेगा। ये ऊपर से देखो, तो ऊपर से अगर मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बताऊँ तो ऊपर से आपको इस तरीके से देखते हुए मिलेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट आपको देखिए इस तरीके से देखा। फिर बाद में इसको अगर बताओगे तो ये भी इससे टच है, मतलब आपको ये ला के यहाँ पे इसके साथ टच कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो ये आगे भी तो है ना इतना, ये आगे जाके ऐसे टच हो गया है, मतलब इसके साथ ये जो आया है, ठीक है, ये जहाँ पे ख़त्म हुआ है उसके साथ ऐसे ले जाके ऐसे करके ऐसे टच कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलेगा। या इस तरीके से अगर जो भी देखने को फिगर मिल रहा है तो वो उसका टॉप व्यू हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये इस तरीके से देखने को अगर जो भी मिल रहा है, देखिए कोई देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कौन सा ऑप्शन इस तरीके से देखने को मिल रहा है, एकदम रेक्टेंगल फॉर्म में कौन देखने को मिल रहा था। अगर एग्जैक्ट डायमेंशन के हिसाब से भी देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा। तो यहाँ पर देखेंगे टॉप व्यू, ये जो फिगर बी है ये उसी की तरह दिख रहा है, मैंने ऑप्शन बना के भी बता दिया, आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा। फिर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, फॉर द गिवन प्रोजेक्शन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से देखिए ऑप्शन दिए गए होंगे उनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से दिया हुआ है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन में आप अगर आपको देखने को देखें तो ये जो एक बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये देखोगे तो ये चीज़ें इस तरीके से, अभी ये कहाँ से देखोगे, और टॉप व्यू में देखते हो तो सर्कल आना चाहिए, वो नहीं है, ठीक है। ये फ्रंट व्यू में देख रहे हो तो ये तो आना चाहिए, फ्रंट व्यू में देख रहे हो ये साथ में तो रहने ही चाहिए, ये साथ में तो रहेगा ही, उसके साथ साथ ये लाइन भी ऐसे दिखेगी, ठीक है, ये उसका फ्रंट व्यू होगा। टॉप व्यू में देखोगे तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा, एक सीधी ऐसे लाइन देखने को मिलेगी, ये दोनों ऐसे कट करके यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से टॉप व्यू। साइड में भी देखोगे तो ये ऐसे से ऐसे ऐसे लाइन होगी, ठीक है, और ऊपर ऐसे बना हुआ दिखेगा, ठीक है, इस तरीके। अब बीच में ये भी लाइन है क्योंकि ये वाली लाइन है, तो ऐसे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इन सभी ऑप्शनों को देखते जाइए, ठीक है। तो ऑप्शन में करेक्ट बताना है, ठीक है, ये दोनों में से करेक्ट। पहला नंबर तो ये जो ए वाला बनाया ना, तो ये वाला जो फ्रंट व्यू की तरह दिख रहा है, एकदम फ्रंट व्यू इसी तरीके से आएगा, तो ए वाला तो फ्रंट व्यू जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए फ्रंट व्यू बोला है, और बी देखोगे तो ऊपर से सर्कल कब बनता हुआ दिखेगा, जब ऊपर से देखोगे तो बी टॉप व्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में ही देखो ये बता रहा है करेक्ट, तो मुझे लग रहा है कि ए ऑप्शन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर और कोई तो दिख नहीं रहा, देखो बी फ्रंट व्यू तो नहीं है, ए ही फ्रंट व्यू होगा, और ए फ्रंट व्यू के अलावा इसमें किसी में भी नहीं बोला है। देखो यहाँ पे सी में भी फिगर ए जो फ्रंट व्यू बोला है, लेकिन फिगर बी जो साइड व्यू नहीं है, टॉप व्यू है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर द गिवन प्रोजेक्शन विच स्टेटमेंट इज ट्रू,
यहाँ पे इस तरीके का फिगर है, एरो इधर बनाया है, यहाँ से बनाया है। तो यहाँ पे इस साइड से फ्रंट व्यू देखोगे तो क्या दिखेगा, ये एक लाइन दिखेगी इस तरीके से, फिर बाद में यहाँ पर ऐसे बना हुआ दिखा है ये, सॉरी यहाँ से ऐसे करके बना हुआ है, ये वाला नहीं है पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको यहाँ से ऐसे टच तो किया है, लेकिन ये इसको बताने के लिए ऐसे किया है, मे बी टच भी हो सकता है, ठीक है। लाइन तो ड्रॉ किया है, तो इस तरीके से इसका फ्रंट व्यू देखेगा। और टॉप व्यू में देखोगे तो कैसा दिखेगा, इस तरीके का ये लाइन ये पूरा दिखेगा, फिर बाद में यहाँ पर ये दिखेगा, ये भी पूरा ऐसे करके ऐसे दिखेगा टॉप व्यू में, ठीक है। और साइड व्यू में तो एक एल जैसा दिखेगा, साइड व्यू में देखोगे तो इस तरीके का आपको एल दिखाई देगा, और कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये बीच में एक लाइन ऐसे दिखाई दे देगी, ये वाली लाइन डैश डैश करके यह बता देगा, क्योंकि ये भी लाइन है ना, तो इसको करके बता देगा। तो इस तरीके से देख सकते हो कि फ्रंट व्यू कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ पे फ्रंट व्यू बता रहा है, ठीक है, सब चीज़ें तो दिखा ही रहा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर अगर देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इट इज़ एन ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, ऑब्वियसली ये ऑर्थोग्राफी की प्रोजेक्शन ही है। फिगर इज ए फ्रंट व्यू, हाँ फ्रंट व्यू है ही है, ठीक है। दो जब राइट हो रहे हैं तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबो ही आ जाएगा। दो को अभी राइट यहाँ पे कैसे करें, ठीक है। फिगर बी टॉप व्यू है, टॉप व्यू है भी, ठीक है। इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा, अगर अपने, अगर मेरे जो वीडियोज हैं उसको अगर आपने अच्छे से देखा है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट वीडियोज़ के लिए मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि कंप्लीट वीडियो देखना है तो आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, ओनली 100 रुपीज़। और इस नंबर पे 7359924377 जो है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, और आपको जितने भी वीडियोज़ हैं उसके लिंक आपको मिल जाएंगे, और आप आसानी से उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 वाला देख लीजिए। फिगर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अभी जितना भी मैंने अभी देखो यहाँ पे बता रहा हूँ ना, सब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही को ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तभी आपको समझ में आएगा जब ऑर्थोग्राफिक को अच्छे से देखे हो, समझे हो कि फ्रंट व्यू होता क्या है, टॉप व्यू होता क्या है, साइड व्यू क्या होता है, वो चीज़ें तभी समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, विच ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फिगर ए, फिगर ए के लिए क्या ट्रू है, तो फिगर ए पहले देख लो, ये फिगर ए है, फिगर ए को ही देखो। फिगर ए के लिए देखो, यहाँ से यहाँ पे एरो भी बनाया है, एरो आपको दिख रहा है, ये एरो है, तो इस तरीके से टॉप व्यू या फ्रंट व्यू आएगा। फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है, देखो ये दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे, और ये फिगर ए उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए इसके लिए ये डैश डैश लाइन बताएगा, ये देखो डैश लाइन ये बताया हुआ, ठीक है, ये लाइन बताया, डैश डैश लाइन भी बताया हुआ है, तो सब कुछ तो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हुए दिख रहा है, तो ये किसी भी तरह से देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू ही आएगा फिगर ए। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं, फिगर ए क्या है, फ्रंट व्यू है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन, साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरो इधर है अगर, तो ये उसका साइड व्यू होगा, और इस साइड व्यू में अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा, ठीक है। देखो आपको ये इतना लाइन दिखी यहाँ से, ठीक है, ये वाला देखी, फिर बाद में ये ऊपर तक गया है, ऊपर तक गया है, ठीक है, फिर उसके बाद से ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, ठीक है, ऐसे करके पार्ट ऊपर की तरफ दिखेगा, ओके, ये ऊपर की तरफ, ये पूरा यहाँ तक दिखेगा, फिर ये दिखेगा, ठीक है, यहाँ से जो कटा है यहाँ से पूरी लाइन नीचे दिखेगी, ये ऐसे दिखेगा, फिर बाद में ये जो पूरी लाइन यहाँ से दिख रही है, ये वाली लाइन होगी, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके से देखो कौन सा है, इस तरीके से देखोगे तो आपको ये ए ऑप्शन ही दिख रहा है, ठीक है, फिगर ए ही उसका साइड व्यू बता रहा है, तो साइड व्यू फिगर ए है, तो फिगर ए साइड व्यू है, तो बी ऑप्शन, फिगर ए बताया ना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो बी है, ठीक है, ये हो जाएगा, फिगर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, इस तरीके का फिगर दिया हुआ है और बोला है कि मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग यहाँ पे करने के लिए बोला है। देख लेते हैं, ये ए जो बनाया है, ए को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ए को फिगर में देखो और इसको ध्यान से देखो, तो आपको ये चीज़ें 15, देखो 15 अगर देख रहे हो ना, तो ये ऊपर से देखने पे ही ये 15 इस तरीके से दिखेगा, इधर साइड से देखोगे तो ये 15 वाला डायमेंशन तो दिखेगा नहीं, हाँ ये साइड व्यू से 15 वाला डायमेंशन दिख सकता है, साइड व्यू से देखोगे तो 15 वाला डायमेंशन दिखेगा, तो
तो ये साइड व्यू ए जो है वो साइड व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये जो बी वाला है उसको देखो, तो बी वाले को अगर इस तरीके से देखोगे, फ्रंट व्यू देखोगे तभी इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। तो बी फ्रंट व्यू हो गया, साइड व्यू फ्रंट व्यू, और ये उसका टॉप व्यू आ जाएगा, ठीक है, ये उसका टॉप व्यू आ जाएगा। तो आपका आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट तो बता दिए कि साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे अगर ऑप्शन को देखना है, यहाँ पे आप देखिए फिगर ए, ए टॉप व्यू है, तो ये तो मैंने बोला साइड व्यू है, ठीक है। अच्छा, फिगर ए इधर दिया है, फिर बाद में इधर दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो टॉप व्यू बता रहा है, तो नहीं, फिगर ए का जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा, पहला जो है वो बी के साथ जाएगा। यहाँ पर वो चीज़ें मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, फिगर ए साइड व्यू है तो यहाँ इसके साथ ये मैच हो जाएगा, फिगर वी जो है वो फ्रंट व्यू है तो इसका इसके साथ आ जाएगा, और सी का इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। मतलब पहला बी के साथ, फर्स्ट बी के साथ देखोगे तो ए ऑप्शन में भी है और बी ऑप्शन में भी है, ठीक है। लेकिन बी का जो जो आपका बी ऑप्शन है, ठीक है, बी का किसके साथ मैच हो रहा है, वन मिनट, पहले का बी दोनों के साथ है, सही है। दूसरे का सेकंड वाला देखोगे तो सेकंड का किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ, तो सी के साथ ये बी वाले में है, तो यह बी ऑप्शन ही द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें थोड़ा सा देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं हर वो क्वेश्चन से लेकर आऊँगा कि जो आपको आप इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम दे रहे हो, जिसमें ये वाले जो सब्जेक्ट से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो आप आराम से 90% तो आराम से ऐसे क्वेश्चन को आप कर लोगे, क्योंकि अगर ये फुल वीडियोस देखे हो तो आराम से 90% क्वेश्चन कर लोगे। ओके, चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेट मैं ट्राई करूँगा कि 30 क्वेश्चन इसमें वीडियोज़ में हो जाए। फॉर द गिवन प्रोजेक्शन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। प्रोजेक्शन दिया हुआ है और इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो ए वाले को देखो जो बना हुआ है वो करेक्ट बना है कि नहीं, ठीक है। ये अगर देखोगे तो आपको किस तरीके से देखता हुआ दिखेगा, ये जो देखने को आपको दिख रहा है ये टॉप में देखोगे तभी ऐसा दिखेगा, टॉप व्यू अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तभी ये आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि साइड व्यू में तो सिर्फ यही देखने को मिलेगा। अगर साइड व्यू बना रहे हो तो सिर्फ इस तरीके से ऐसे करके ऐसे साइड व्यू में ऐसे ही सिर्फ देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो है आपका टॉप व्यू में है, ठीक है, नुकनों को मिलेगा, लेकिन ये वाला जो है ना उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करके बताना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके ये लाइन तो दिखेगा ही, ठीक है, ये चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर ऐसे दिखनी चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे दिखनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन ये ऐसे बनाया है, मतलब इस तरीके से वो साइड व्यू आ सकता है, नेक्स्ट ऑप्शन साइड व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि पहला ऑप्शन टॉप व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा ऑप्शन साइड व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो पहला जो ऑप्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला जो ऑप्शन है वो टॉप व्यू भी फ्रंट व्यू दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, मतलब ये जो लाइन मैंने बता रहा था ना, फ्रंट व्यू में देखोगे तो नहीं दिखेगा, तो फ्रंट व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा वो साइड व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था, फ्रंट व्यू साइड व्यू ये आना चाहिए आंसर। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि ए जो है फ्रंट व्यू है, ठीक है, और बी जो है वो साइड व्यू है, तो ये कहाँ पर आ रहा है, ये अगर देखोगे तो बी ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाला ही है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में आप बता सकते हो कि ए जो फिगर है वो क्या बताएगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिगर ए जो है आपको देखने को मिल रहा है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ये अगर आप रिप्रेजेंट इसका देखोगे तो अगर इसके फ्रंट व्यू को देखोगे तो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा इसमें, लेकिन ट्रायंगल बनता हुआ तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, ट्रायंगल बनता हुआ इसमें तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर इसका साइड व्यू देखोगे, फ्रंट व्यू देखोगे तो ट्रायंगल दिखेगा, साइड व्यू देखोगे तो आपको पॉसिबिलिटी है 15, ये है ना 15, तो 15 वाला तो मे बी, ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। 15 का यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया है तो ये साइड व्यू आ रहा है, ठीक है। तो ए जो है वो साइड व्यू आपको
रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, साइड व्यू रिप्रेजेंट हो रहा है, और टॉप व्यू, ओके, सी वाला टॉप व्यू रिप्रेजेंट हो रहा है और बी वाला फ्रंट व्यू रिप्रेजेंट हो रहा है। ये मैच कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, मैच अगर कर रहे हो तो मैच, अगर देखो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको लिखते जाइए, क्योंकि मेरा क्या एक पेज वहाँ पर, एक पर यहाँ पर है, तो चीज़ों को दिखा के समझाना, जैसे जैसे मैं बोलते जाता हूँ वो चीज़ें लिख लीजिए, कि ताकि मैं यहाँ पे आप करेक्ट ऑप्शन आपको दिखा सकूँ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, ठीक है, ए होगा, मतलब पहले का बी, ठीक है, फर्स्ट जो फिगर ए है वो क्या है, साइड व्यू है, ठीक है। ये सब चीज़ें मतलब आप आसानी से समझ सकते हो, जो चीज़ें मैं फिगर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ उसको लिख लीजिए, फिर बाद में मैच कर लीजिए, आप आसानी से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं फिगर बी क्या शो कर रहा है, तो यहाँ फिगर बी को देखिए और ये फिगर को देखिए, ये फिगर बी है और इस तरीके का फिगर, इस तरीके से कंडीशन देखिए कहाँ पे देखने को मिल रहा है, किस व्यू में देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, तो ऐसा देखने को मिल सकता है। कि अगर आप देखेंगे तो ओके, इस तरीके का ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिगर बी को बोला है ना, तो फिगर बी को अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ऑप्शन इसका बी को ही सिर्फ देखना है, ये वाले बी को ही देखो, ठीक है, ये बी को देखो और लेकिन उसके साथ साथ ये फिगर को भी देखो, ठीक है, इस फिगर को भी देखो, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए ऊपर से देखेंगे तो क्या बनेगा, साइड से देखोगे तो कैसा बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है, साइड से देख रहा हो तो कैसा दिख रहा है। अब एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, अगर साइड से देखते हैं तो कैसा दिखता है, वो चीज़ें मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। साइड से देखोगे तो एक ये इंक्लाइंड प्लेन भी आपको देखने को मिलेगी, ऐसा ये साइड व्यू में कहीं इंक्लाइंड यहाँ पर इसमें तो नहीं दिख रहा है, तो ये साइड व्यू तो नहीं हो सकता है। फ्रंट व्यू में देखोगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी लाइन ऐसे, फिर बाद में ये ऐसी लाइन दिखे, ठीक है, ये दिखना चाहिए, फिर उसके साथ साथ जुड़े हुए ऐसे, ये अभी आ रहा है, ये भी आ रहा है, फिर बाद में ये पूरी लाइन आ रही है, उसके साथ साथ ये लाइन आ रही है, ठीक है, और यहाँ से ये कट हुआ हुआ ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो दिख रहा है तो ये देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो फिगर भी उसी प्रकार से दिख भी रहा है, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ इस तरीके से दिख रहा है तो साइड भी तो भी नहीं दिख रहा है, और ये मैं अगर करेक्ट बताऊँ कि बी जो दिख रहा है वो आपका टॉप व्यू ऑब्जेक्ट जैसा दिख रहा है, टॉप व्यू से देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, तो यहाँ पर टॉप व्यू ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ऑर्थोग्राफी अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया है, ऑर्थोग्राफी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सभी सभी तरीके के क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगा। देखिए जितना भी मैंने पढ़ाया है, चाहे वो जितने भी मैंने बताया है कि छोटे से छोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट से लेके, चाहे वो डायमेंशन वाला पॉइंट हो जाता है, चाहे वो मैंने आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की बात कर रहे हैं, या तो आप इलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं, इलिप्स से रिलेटेड, या पैराबोला से रिलेटेड, या हाइपरबोला से, या साइक्लॉइड से, एपिसाइक्लॉइड या हाइपोसाइक्लॉइड की बात करें, या प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ सेक्शन सॉलिड, ऑर्थोग्राफी, ये सारा जितना भी ड्राइंग से पार्ट है वो सारे क्वेश्चन इसमें मैं लेकर आऊँगा, कि ताकि आपके लिए आसान हो सके, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 25 तक मैं पहुँचा दूंगा इस वीडियो में, कि ताकि आपके लिए आसान हो सके। इन द गिवन प्रोजेक्शन विच फिगर शोज द टॉप एंड फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इन द गिवन प्रोजेक्शन विच फिगर शोज द टॉप एंड फ्रंट व्यू, ठीक है, टॉप और फ्रंट व्यू बताना है। देखो अब टॉप से अगर देख रहे हो तो टॉप से मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से बना हुआ दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, देखो ये पूरी लाइन आ रही है 90 की और ये पूरी लाइन जा रही है 60 की, और ये पूरा एकदम ला के यहाँ पर टच कर दो, यहाँ से देखो ये 45 जितना 45 उधर तक ये पूरा कटा हुआ ऐसे दिखेगा, फिर बाद में ये वाला देखोगे 30 मतलब इसके हाफ तक ये ऐसे कटा हुआ दिखेगा, फिर उसके बाद से ये 20 पे ऐसे कटा हुआ दिखेगा इस तरीके से, ये चीज़ें इतनी आपको देखने को मिल जाएगी टॉप व्यू में। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो वो टॉप व्यू है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है तो टॉप व्यू है, तो ऐसे देख लो कौन सा दिख रहा है, ये वाला, ये वाला आपको बी वाला आपको दिख रहा है,
बी वाला एकदम एग्जैक्ट वैसे दिख रहा है, तो टॉप व्यू बी है, ठीक है। तो बी किस में आ रहा है, अगर आप इस फिगर में देखोगे तो जो ऑप्शन आपका, जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जो ऑप्शन टॉप व्यू, तो टॉप व्यू अगर आपको, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बना के बताया, ठीक है, अगर ये लाइन को अगर आप देख रहे हो ना, ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन अगर इसने इसके ये वाली जो लाइन बनाया ना, ये वाली लाइन, ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बनाया है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है, तो आपका ये फिगर इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये वाली लाइन, उसके साथ साथ ये वाली लाइन, फिर बाद में ये वाली लाइन करके ऐसे मैच किया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो कौन सा दिख रहा है, इस तरीके से तो मुझे ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये जो मैंने बताया था ये 45 का, ये वाला सी दिख रहा है, तो टॉप व्यू में सी दिख रहा है, तो टॉप व्यू में सी आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप, मतलब पहला क्या बोला है इसमें देख लेते हैं, पहला सी बोला फ्रंट व्यू में, जस्ट वन मिनट, और फ्रंट व्यू जो बोला है वो उसके लिए आपका बी आ जाएगा, ठीक है। फ्रंट व्यू में देखोगे तो बी ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर फिगर सी आपका टॉप व्यू आ जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बारीकी ध्यान रखेंगे तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा, क्योंकि डायमेंशन को भी यहाँ पे देखना है, डायमेंशन अगर नहीं ध्यान देंगे ना तो आपकी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, मिस्टेक हो सकती है, ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एंड इस वीडियो का लास्ट भी देख सकते हैं, ये विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट बताना है, ठीक है। तो ए वाले को देखिए, ए तो आपको सामने से ही दिख रहा है, ए को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तीनों में डैश डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तीनों में डैश डैश कब होगा, जब आप ये फ्रंट व्यू में देखोगे, देखो अगर इधर से आप देखते हो ना, देखो यहाँ पे अगर इस तरीके से देखोगे, एरो बनाया तो ये इस तरफ से देखोगे तो फ्रंट व्यू होगा, इधर से देखोगे तो साइड व्यू होगा, अब साइड व्यू में देखोगे तो ये सर्कल दिखेगा, इधर से अगर देखते हो ना तो तीनों में ये लाइनिंग दिखेगी, ये भी लाइनिंग दिखेगा और ये भी इस तरीके से लाइनिंग दिखेगा, तो ये वाला जो है ना ये उसका फ्रंट व्यू है, ठीक है, ये फ्रंट व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। पहला ए जो है वो फ्रंट व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी जो है वो मैंने सर्कल बताया, तो टॉप से देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा, टॉप से अगर देख रहे हो तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आ रहा है, तो ए को फ्रंट व्यू जो शो कर रहा है और बी को टॉप व्यू जो शो कर रहा है वो है हमारा ए ऑप्शन, ठीक है, और बाकी तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है वो ए हो जाता है। तो इस तरीके के देखिए, मतलब थोड़ा सा इमेजिनेशन रखोगे तो आपको ऑर्थोग्राफिक, अगर ऑर्थोग्राफिक अगर समझना है तो मेरे वीडियोस को देखिए, क्योंकि बिना देखे आपको आसानी से समझ में नहीं आने वाला है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा, देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते रहिए, नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आऊँगा, तो आप देखते रहिए, मैं वन वीडियोज़ लेकर आऊँगा, ठीक है, और आपके लिए आसान करता रहूँगा, कि ताकि आप आसान, आपके लिए ये जो चाहे आप, अगर मान लीजिए कि कोई अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग की सब्जेक्ट को पढ़ रहा है अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए भी मेरे जो वीडियोज है उसको परचेस कर सकता है, 100 रुपीज़। आप ट्यूशन क्लासेस में जाओगे तो 2000-4000 पेमेंट करोगे, वहाँ पे सीखोगे, यहाँ पे घर बैठे आप 100 रुपीज़ कुछ नहीं होता है, वो पे करके आप पूरे वीडियोज़ को पे कर सकते हो, बहुत ही, मतलब बहुत ही कम प्राइस रखा है, ठीक है। उसके थ्रू आप वीडियोज़ की क्वालिटी देख सकते हो, ठीक है, आप मेरे इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में जा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें मैंने लिंक प्रोवाइड किया है प्लेलिस्ट का, उसमें आप जाके देखिए कितनी क्वालिटीज़ के मैं वीडियोज़ बनाया हूँ, उस चीज़ों को देखो, आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि मतलब मुझे पूरे वीडियोज़ चाहिए, और 100 रुपीज़ कुछ नहीं होता है ऐसे ही, मतलब, तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, आपको अगर ज़रूरत है, अगर आपको सीखना है तो आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।